यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है और अब हम इसे थोड़ी सी हल्दी डालकर मैरिनेट कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमें इसे फ्राई करना है। सबसे पहले कढ़ाई को गरम करेंगे और उसके बाद इसमें सरसों तेल डाल देंगे और जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को फ्राई कर लेंगे। कुछ जगह इसे बिना फ्राई किए बनाते हैं, पर इस तरीके से बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। इस तरह से बीच बीच में चलाकर हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने में लगभग 7 से 8 मिनट लग जाते हैं और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाता है। 7 से 8 मिनट हो गया, इतना ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे और जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो उसमें 2 लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे, 1 गोटा डालेंगे और 2 तेज पत्ता डाल देंगे। उसके बाद हम लोग खड़े मसाला डालेंगे जिससे कि इस तेल में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। 2 दालचीनी डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च। अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च कुचा हुआ इसमें डाल देंगे और 2 मिनट तक इसे अच्छे से भूनेंगे। और अब प्याज डाल देंगे और प्याज को सुनहरा होने तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और लाइट ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 1 गोटा लहसुन डाल देंगे जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और इसे भी अब हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे स्वाद अनुसार, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। 2 चम्मच चिकन मसाला डालेंगे, 2 अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा चिपके नहीं और इसे अच्छे से एक बार फ्राई कर लेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे और अब हम इसे ढक ढक कर पकाएंगे। और अगर नहीं पकाएंगे ढककर तो इसका बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा, इसका फ्लेवर सारा उड़ जाएगा। तो इसे हम आराम से ढक ढक कर पकाएंगे जब तक कि ऑयल इसका अच्छे से सेपरेट ना हो जाए और प्याज और चिकन और मसाला अच्छा से भुन जाए। ये देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। मैंने यहाँ पर गरम मसाला इसलिए नहीं डाला है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने खड़ा मसाला डाला है। अगर आपको गरम मसाला का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप भी मेरी तरह स्किप कर दें। अब इसे बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम में 2 फुल सीटी आने तक इसे पकने देंगे। जब इसका प्रेशर अच्छे से निकल जाए तब इसे हम खोलेंगे। सारा प्रेशर अच्छे से निकल चुका है और चिकन करी हमारा बनकर रेडी है। ये देखिए इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है, सिल्की स्मूथ ग्रेवी लग रही है। और अब हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और ये हमारा टेस्टी चिकन करी बनकर रेडी है। आप इसे रोटी पराठा या राइस के साथ सर्व करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है
और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।